हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंटरनल कंबसन इंजन कैसे काम करता है। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। इंटरनल कंबसन इंजन आपकी गाड़ी में है, मेरी गाड़ी में है, और जितने भी लाइट व्हीकल्स है उसमें भी है, और जितने भी कमर्शियल व्हीकल है उसमें भी होता है। इंटरनल कंबसन इंजन और IC इंजन हर गाड़ी में कॉमन होता है। बस गाड़ी के शेप और साइज़ के हिसाब से इनकी जो पोजीशन और लोकेशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंजन है क्या। दोस्तों आपको पता होगा कि जेम्स वाट ने जब एक्सटर्नल कंबसन इंजन बनाया था, ये पहले IC इंजन का एक शुरुआत थी। तो जेम्स वाट की बात करें तो उन्होंने बाहर आग जलाते थे और वो बॉयलर को गर्म करते थे, और उससे जो वाटर वेपर निकलती थी उससे पिस्टन को थ्रस्ट के साथ पिस्टन में मूवमेंट क्रिएट करते थे। पेट्रोल इंजन एक इंटरनल कंबसन स्पार्क इग्निशन इंजन है। इसका मतलब है एयर और फ्यूल की मिक्सर को इंजन के अंदर ही जलाया जाता है, और इसे जलाने के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज होता है। ये इलेक्ट्रिक स्पार्क स्पार्क प्लग के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। अब हम फोर-स्ट्रोक इंजन के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। सिलेंडर, ये एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसमें पिस्टन आगे पीछे मूव करता है। पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है और फोर्स को पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाता है। क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदल देता है। कनेक्टिंग रॉड का बड़ा वाला सिरा क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है और क्रैंक पर फ्रीली रोटेट हो सकता है। कनेक्टिंग रॉड का छोटा वाला सिरा गर्जियन पिन के साथ जुड़ा रहता है और कनेक्टिंग रॉड गर्जियन पिन पर घूम सकता है। पिस्टन को सिलेंडर के अंदर रखा जाता है ताकि पिस्टन एक ही डायरेक्शन में घूम सके। इस टाइप का जो मैकेनिज्म बनता है उसे स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कहा जाता है। यह मैकेनिज्म से पिस्टन का लीनियर मोशन रोटरी मोशन में बदल जाता है। इंजन में हमारा मेनली दो वाल्व होता है, एक होता है इनलेट वाल्व और एक होता है एग्जॉस्ट वाल्व। जब पिस्टन इंजन का टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक आता है उसे हम एक स्ट्रोक कहते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम इंजन में जो वॉल्यूम क्रिएट होता है उसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं, और सक्शन स्ट्रोक के टाइम जो वॉल्यूम क्रिएट होता है उसे हम स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन में सिलेंडर के अंदर जाने से पहले लिक्विड फ्यूल को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है, वेपराइज किया जाता है और हवा के साथ सही अनुपात में मिलाया जाता है। जब इंजन स्टार्ट होता है पिस्टन TDC से BDC में जाता है, जिसके कारण इंजन में एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है। इसी टाइम इनलेट वाल्व खुलती है और फ्यूल और मिक्सचर इंजन के अंदर जाता है। इसके बाद इंजन अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण जारी रखता है और कंप्रेशन स्ट्रोक की शुरुआत होती है। कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पिस्टन BDC से TDC में चला जाता है, जिससे फ्यूल कंप्रेस होता है। कंप्रेशन की वजह से चार्ज का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है। इसी टाइम स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क क्रिएट किया जाता है, जिसके वजह से एक विस्फोट सा होता है। प्रेशर की वजह से पिस्टन नीचे की तरफ मूव करने लगता है और गर्म गैसेस एक्सपेंड होने लगता है। इसके बाद पिस्टन BDC से TDC में चला जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व खोलता है और जल चुकी गैसेस पिस्टन बाहर धकेल देता है। इसके साथ साइकिल पूरा होता है और यह प्रोसेस लगातार होता रहता है। यहाँ एक ध्यान देने की बात है, इंजन केवल पावर स्ट्रोक के टाइम ही पावर जनरेट करता है। पावर स्ट्रोक के दौरान लोड के द्वारा जितना वर्क चाहिए इंजन उससे ज़्यादा वर्क बनाता है, जिसके कारण इंजन में एक्सीलरेशन होता है। इंजन में आई गति की इस अस्थिरता को कम करने के लिए फ्लाई व्हील को जोड़ा जाता है। फ्लाई व्हील एक ऐसा व्हील होता है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी ज़्यादा होता है। जब पावर स्ट्रोक के दौरान ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो फ्लाई व्हील में स्टोर होता है। जब इंजन को कंप्रेशन और दूसरी स्ट्रोक के दौरान एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब फ्लाई व्हील थोड़ा सा डिसएक्सीलरेट होकर यह एनर्जी इंजन को उपलब्ध कर देती है। ऐसे ही क्रैंकशाफ्ट फ्लाई व्हील के थ्रू गियरबॉक्स में कनेक्ट होता है और गियरबॉक्स से आपकी व्हील तक पावर पहुँचती है और हमारा गाड़ी चलता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इंजन के रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज मिल गया होगा। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।